अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज आल रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड फाइव बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर टू अबाउट द वर्ल्ड क्लाइमेट हमने कुछ बातें पढ़ ली थी और बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे आज अगले लेक्चर में सो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब आपकी बुक में एक मैप बना हुआ है जिसपे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लेटीट्यूड भी ड्रॉन है तो आप वो एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो एंड वेयर इज पाकिस्तान इट लाइज जस्ट टू द नॉर्थ यानी कि उसकी नदर्न डायरेक्शन में टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज पाकिस्तान द कंट्री कवर्स अ लार्ज स्ट्रैच ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन अदर अब वो भी आपको बता रहा है कि जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड यानी कि इसका बहुत सा एरिया है लॉन्ग स्ट्रैच ऑफ लैंड यानी कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन अदर और एक जगह का जो क्लाइमेट है वो बहुत डिफरेंट है दूसरी जगह से यानी कि पूरी कंट्री में एक ही क्लाइमेट नहीं है एक ही मौसम नहीं है बल्कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलाके का एक लंबे अरसे के लिए जो वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं द हॉटेस्ट मंथ इज यूजली जून बच्चों ये तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जून में कितनी शर्मी पड़ती है।, so, है जून का सम प्लेसेज है लो लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे शदीद सर्दी पड़ती है जैसे कि हमारे नदरन एरियाज हैं एंड टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप वेरी लो और टेम्परेचर्स बहुत नीचे चले जाते हैं माइनस डिग्रीज में चले जाते हैं और बर्फबारी होती है टम्परेचर्स इन समर कैन ऑल्सो वी वेल अब दब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर्स इन समर यानी कि अगर कुछ इलाकों में शदीद ठंड पड़ती है तो कुछ इलाकों में गर्मियों में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है यानी कि 38 डिग्री 40 डिग्री इतना भी टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से शदीद गर्मी पड़ती है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं उसकी वजह से सैलाब आते हैं और बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जो बेसिकली होती हैं शदीद गर्मी की वजह से चेंज इन क्लाइमेट की वजह से

उनका प्रेशर कितना होता है उनका जोर कितना होता है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एंड देन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स यानी कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है नमी कितनी है हवा में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कितने हैं हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस अब हिल्स और माउंटेन्स, यानी कि जो पहाड़ होते हैं लेकिन स्टॉप रेन वो बारिश को रोक सकते हैं फ्रॉम फॉर्निंग इन प्लेसेस कुछ जगहों पर बरसने से अब सवाल ये खड़ा होता है कि बारिश कौन सा साइड से आती है जिसे हिल्स या माउंटेन्स रोक सकते हैं बारिश तो ऊपर से आती है लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पहाड़ बादलों से भी ज़्यादा ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं यानि कि बादल थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं जो बारिश बरसाते हैं और पहाड़ थोड़ा ऊपर रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार जो बादल पहाड़ की एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर बारिश नहीं पहुंचा पाते, इसलिए दूसरी साइड का एरिया बारिश से बचा रहता है स्ट्रॉन्ग कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स इसके अलावा अगर तेज हवाएं चल रही हैं, देर आर स्ट्रोंग विंड कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स तो वो ले आती हैं अपने साथ रेन क्लाउड्स रेन क्लाउड्स यानी कि जो बादल हैवी होते हैं जिनमें वाटर वेपर्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो बारिश बरसाते हैं तो अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो वो अपने साथ ले आती है रेन क्लाउड्स और फिर होती है बारिश हाई अप इन द माउंटेन्स इट इज वेरी कोल्ड सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड इफ इट इज इन द माउंटेन्स अब जो माउंटेन्स के ऊपर के इलाके होते हैं यानी कि पहाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे जेनरली सर्दी बहुत ज्यादा होती है हाई आप यानी कि माउंटेन्स का जो ऊपर का हिस्सा है इट इज वेरी कोल्ड कोल्डी ठंड होती है सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इक्वेटर क्या है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ डिवाइडिंग द अर्थ इन टू इक्वल हेमस्फियर हमने पढ़ा था कि इक्वेटर के करीब के इलाके नॉर्मली गर्म होते हैं लेकिन वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो इलाके इक्वेटर के करीब हैं उनमें भी अगर पहाड़ हैं और पहाड़ों के उतले हिस्से पे टम्परेचर देखा जाए तो वहाँ पे भी ठंड पड़ती है क्योंकि पहाड़ों का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे टम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है टेम्परेचर गिर जाता है और मौसम ठंडा रहता है तो अगर वो जगह इक्वेटर के करीब भी हैं तो भी वहाँ के जो पहाड़ हैं उनका टेम्परेचर कोल्ड रहता है उनके ऊपर का जो हिस्सा है खासतौर पर वहां पर टेम्परेचर नॉर्मली बहुत लो रहता है और वहां पर जो वेदर है दैट शुड बी कोल्ड अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की वॉट इज क्लाइमेट चेंज चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल तो क्लाइमेट चेंज क्या है किसी भी जगह के अगर क्लाइमेटिक पैटर्नस क्लाइमेटिक डिज़ाइंस किसी भी जगह का क्लाइमेट किस तरह का है इसमें अगर चेंज आ जाता है ऑफ अ रीजन चाहे वो क्लाइमेट फिर किसी रीजन का हो और ऑन अ ग्लोबल स्केल या हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हों इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज The increased levels of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperatures on earth. The increased levels, yani ke hui levels, hui amount of carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas. So, the increased levels of carbon dioxide, yani carbon dioxide ki amount habaam the hoti hai. इन द एटमोसफेयर अ राइज इन देश ऑन अर्थ तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है इट कॉजेज राइज इन देश ऑन अर्थ सो द इंक्रीज लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर यानी कि हमारी एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है और इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है गर्मी ज्यादा होती जा रही है हीट ज्यादा होती जा रही है और इसके रीजनस क्या है रीजन्स यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉसल फ्यूल्स यानी कि जो नेचुरली रिसोर्सिस होती हैं प्रेजेंट हमारी अर्थ में हम उनको कहते हैं फॉसल फ्यूल्स तो यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स की वजह से भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है खासतौर पर जब फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो जो धुआं उठता है उसकी वजह से हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है दूसरा रीज़न डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं दरख्तों को काटना जंगलात को काटना इसका नुकसान क्या होता है जो प्लांट्स हैं दरख्त हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि पीते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उससे यह होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहता है बिकॉज ऑक्सीजन इज गुड़ फॉर द एटमोसफियर लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो यानी कि आप दरख्तों को काटोगे प्लांट्स को काटोगे तो इसके बहुत से नुकसान हैं जिनमें से एक नुकसान है क्लाइमेट चेंज यानी कि उस इलाके का उस रीजन का क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है हवा में एनवायरमेंट में वो ज्यादा हो रही है इसका क्या मतलब हुआ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हवा में ज़्यादा हो रही है तो मतलब गर्मी बढ़ जाएगी प्लांट्स नहीं हैं ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है गर्मी बढ़ जाती है एंड दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज डिफॉरेस्टेशन के और भी कुछ नुकसान हैं जैसे कि ट्रीज़ की जो डिफरेंट वराइटीज़ हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं इसी तरह इरोजन होती है वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है क्योंकि बहुत से परिंदे दरख्तों में अपने घर बनाते हैं जंगलात में और बहुत से जानवर रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है लेकिन क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन फिर बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लाइमेट चेंज किस तरह कॉज करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है डिफरेंट फैक्ट्री से डिफरेंट इंडस्ट्री से बहुत से धुएं निकलते हैं जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है उसके बाद हम बात कर लेते हैं द ग्रीन हाउस अफेक्ट की वॉट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सन लाइट टू पास थ्रू द एटमोसफेयर एंड रीच द अर्थ सर्फेस ग्रीन हाउस गैसेज क्या कहती है द अलाउ सन लाइट यानी कि जो सूरज की रोशनी है उसको अलाउ करती हैं उसको इजाजत देती हैं टू पास थ्रू द एटमोस्फेयर कि वो atmosphere से पास करें एंड रीच द अर्थ सरफेस और हमारी जमीन तक पहुंचे एटमोस्फेयर इज अ सर्कल ऑफ गैसेज अराउंड आर अर्थ आप एटमोस्फेयर की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाए कि एटमोसफेयर एक्चुअली है क्या तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं वो अलाउ करती हैं सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर कि सनलाइट एटमॉस्फेयर में से पास करे एंड रीच द अर्थ सरफेस और हमारी जमीन तक पहुंचे सम ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड एज हीट एंड सम गोज बैक टू स्पेस अब हमारी जमीन तक जो सनलाइट पहुंचती है जो सूरज की रोशनी पहुंचती है सम ऑफ इट इज कैप्चर्ड यानी कि पकड़ी जाती है एज हीट गर्मी के तौर पे हमारी जमीन में ही रह जाती है एंड सम गोज बैक टू स्पेस और उसमें से कुछ स्पेस में वापस चली जाती है यानी कि जहां से वो आई होती है वो वहीं वापस चली जाती है दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट अब ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है यानी कि ये जो गर्मी का ट्रैप होना है फंसना है इनसाइड द एटमॉस्फेयर हमारे एटमोसफेयर में इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस अफेक्ट राइट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज एसेंशियल। अब ग्रीन हाउस गैसेज के फंक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज का एक राइट right अमाउंट में हमारी अर्थ में होना ठीक है यानी कि ना ये बहुत ज़्यादा हो तो अच्छा होगा ना ये बहुत कम हो तो अच्छा होगा ग्रीन हाउस गैसेज अगर हमारी हवा में हमारे एनवायरमेंट में ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हीट ज़्यादा होती जाएगी लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट एक नॉर्मल अमाउंट से कम होगी तो सर्दी बढ़ती चली जाएगी यानी कि हमें एक नॉर्मल अमाउंट चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस की हमारी आबो हवा में हमारे एनवायरमेंट में हमें ना बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस चाहिए ना हमें बहुत थोड़ी ग्रीन हाउस गैसेस चाहिए बल्कि नॉर्मल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आर एनवायरमेंट ज़्यादा होंगी तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी कम होगी तो सर्दी ज्यादा हो जाएगी इसलिए वी नीड अ मिड वे यानी के एक मिड वे ना ज्यादा ना कम न्यूट्रल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन आ एनवायरमेंट तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है और रिवाइज करना है अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा انا عفيز